जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC PCS प्री एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपके ऑफिशियली जारी हो चुके हैं। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसका प्रोसेस तो आपको बताया ही जाएगा, बट अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से किसी भी रीजन से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहां पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 173 पद पर यह वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके फॉर्म आपने 3 अप्रैल 2023 तक भरे थे। आप यहां पर बाकी की जानकारी चेक करेंगे, एंड अभी आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आपके सामने ये पेज ओपन नहीं होता, जो कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है, तो कई बार होता है कि वेबसाइट का सर्वर इशू की वजह से ये आपको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देती है। और होम पेज से आपको अगर आप यहां पर आ गए, आपको एडमिट कार्ड का जो यहां पर ये लिंक देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर फिर से इस पेज पर आ जाएंगे। अभी आपको आपका रजिस्टर नंबर एंटर करना है, जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में मिला था। यहां पर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो, देन आपका जेंडर आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी वेरिफिकेशन कोड आपके डिस्प्ले पर आता है वो आप यहां पर डालेंगे, एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर वेबसाइट का सर्वर डाउन नहीं हुआ तो आपके सामने डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी वेबसाइट का सर्वर डाउन है, ऐसे में काफी प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में, बट फिर भी मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दिखा देता हूं कि कैसा आपका इंटरफेस रहेगा इसके बाद का। तो बेसिकली जैसे ही आप यहां पर डाउनलोड एडमिट कार्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको आपके जो एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आप यहां पर प्रिंट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके आपके एडमिट कार्ड को प्रिंट कर पाएंगे, जिसमें कि आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सभी यहां पर दी गई है। इसके अलावा यहां पर आपको जो एग्जाम सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको यहां पर इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। ये इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ना है, एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है। अगर आप इनमें कोई प्रॉब्लम करेंगे, कोई चीज मिस करेंगे, तो ऐसे में आपको एग्जाम सेंटर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं आपको वर्बली फिर भी बता देता हूं कि एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल में मतलब है कि कलर में, और दूसरा एक गवर्नमेंट आईडी आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास ओरिजिनल में, और उसमें नाम और जो आपने फॉर्म के अंदर नाम भरा है वो नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब गाइज, ये तो हुई आपके द्वारा खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी। अब अगर आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का दिया ये वाला, ये आपको ओपन करना है। इसमें सबसे लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका नाम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे ईमेल में, और फोन में आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का जो पीडीएफ है वो सेंड किया जाएगा। मैसेज में आपको क्या क्या जानकारी देनी है वो आप यहां पर जान लीजिए। आपको इसमें आपका रजिस्टर नंबर देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये तीन चीज आपको देनी है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आपको यहां पर लिखना है UPPCS प्री एडमिट कार्ड 2023, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड या रिजल्ट चेक कराने की इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि किस चीज की जानकारी है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा और मैं इसको चेक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको यहां पर कैंडिडेट रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके साथ में आपको लिखना है UPPCS प्री एडमिट कार्ड 2023, एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज किसी भी तरह का नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो आपने इसमें मेहनत की है इतने टाइम से, वो एक एडमिट कार्ड डाउनलोड न करने की वजह से वेस्ट न चले जाए। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जाए बिना किसी चार्ज के। तो गाइज, इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, एंड इस प्रकार से आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा पाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।